बिहार की सियासत में जबरदस्त हलचल है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर वार छेड़ रखा है, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के साथ सूबे में गठबंधन सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के लिए अगले 72 घंटे तक पटना में रहने का फरमान जारी कर दिया है। सीएम नीतीश के फरमान के बाद सियासी हलचल मच गई है। अगले 72 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं और विधायकों के साथ लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। सीएम नीतीश की सक्रियता को देखते हुए सूबे में सियासी उलटफेर की चर्चा भी तेज हो गई है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ सरकार बनाने की योजना बना रहे हैं? ऐसा माना जा रहा है कि इन सब प्रश्नों का जवाब अगले 72 घंटों में मिल सकता है। सूबे की सियासत किस करवट बैठेगी, ये अगले 72 घंटों में तय हो जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने एक दिन पहले ही पार्टी कार्यालय पर अपने मंत्री और विधायकों के साथ ही पूर्व विधायकों से भी मुलाकात की है। इस बैठक के बाद नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर छापेमारी को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि जिसने रेड किया है वही बता पाएगा। नीतीश के इस बयान को लालू परिवार पर छापेमारी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने के रूप में देखा गया।